अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी अब फाइनली मैं आती हूँ बिरयानी की तरफ, और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये सब हैं। तो मैं डब्बे का मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर में बनाती हूँ। ख़ास तौर पर बिरयानी का मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ। तो चले शुरू करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया हुआ है, ये मैंने 4 से 5 बड़ी इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 3 मैंने दालचीनी ली हुई हैं, 1 चम्मच मैंने छोटी इलायची ली है, 3 से 4 मैंने तेज़पत्ता लिया हुआ है। जो एक पत्ता है वो मैं जब चावल बॉईल करूँगी उसमें डालूँगी। और उसके साथ ये मसाले हैं, 1.5 चम्मच मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल मिर्च है तो आप वो यूज़ करें, या कश्मीरी मिर्च है वो आप डालें, वो आपकी मर्ज़ी। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1.5 चम्मच मैं नमक ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग दिया है। और ये मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं 600 ग्राम, 1.5 कप में मैं 600 ग्राम ड्रम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मटन आपका दिल चाहे या बीफ चाहे वो आप हैं, लेकिन क्वांटिटी आप फिर जितने आप चावल बनाएंगे उतनी ही क्वांटिटी में फिर आपको गोश्त भी बढ़ाना होगा। और उसके साथ ये मैंने 1 kg दही ली है, और ये फ्राई करने के लिए है चीज़ें। ये 2 बड़ी प्याज मैंने लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, पुदीना और हरा धनिया मैंने मुट्ठी के हिसाब से लिया है, और 3 से 4 मैंने ये लेमन के स्लाइस लिए, ये लास्ट में डालने के लिए। और ये चावल जो मैंने लिए हैं ये 1.5 कप लिए हुए हैं, ये बनस्पति राइस हैं, और कप का ही मैंने ये हिसाब लिया हुआ, मैं ये कप का इस साइज़ लिया हुआ है। और बॉयल करने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 काली मिर्च ली हैं, 2 से 3 लौंगे ली हैं, 2 से 3 मैंने दालचीनी ली है, और 1 चम्मच मैं नमक लूँगी, और ऑयल मैं 1 कप यूज़ करूँगी, और लहसुन अदरक इसमें ऐड करूँगी मैं। और ये मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक भी ले लिया है, और ये मैं जो यूज़ करती हूँ वो टेबल डिस्पोजेबल स्पून है। और चले अब ये जो सब मैंने मसाला है इन सबको मैं रोस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके फिर मैं ये जो मसाले हैं नमक मिर्च वो इसमें ऐड करूँगी। चले मैं अब स्टार्ट करती हूँ। जी ये मेरा फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सारे ये जो हैं मसाबुत मसाले वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, और इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। जी ये जो तेज़पत्ता है इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में रख लूँगी, बाकी मैं सब इन सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये भुन रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से इसकी खुशबू जब तक आए वही मज़ा आता है। जी ये मैंने भून लिया है अच्छे से ये सारा मसाला साबुत, अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। जी ये मैंने सारा मसाला पीस लिया है, सिर्फ 2 से 3 मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता 2 अलग कर दिए हैं, बाकी इनको इस तरह से मैंने छोड़ा है। ये इसको हम इस तरह से छोटे छोटे कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक और मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ। जी ये सारा मैंने इसके अंदर मसाला ऐड कर लिया है, और ये मसाला बाकी का जो है वो भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। इसमें मैंने सारा वो गरम जो मेरा गरम मसाला था बिरयानी का वो मैंने मिक्स कर लिया है, और अब इसमें नमक मिर्च और हल्दी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें शामिल होगा। ये मैंने फेंट लिया दही, 1 kg जो मैंने दही ली थी वो अब इसमें शामिल करती हूँ मैं। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ, और इसको हम छोड़ेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक हम चावल बॉईल करेंगे। अच्छा बिरयानी के लिए जो चावल होते हैं वो आप बनस्पति राइस यूज़ करें, जहाँ आपके जो आपको आसान लगता है बनाना वो आप यूज़ करें। मैं यहाँ पे टेडा के जो है या अल मुहद्दिब के जो चावल होते हैं वही मैं बिरयानी के लिए यूज़ करती हूँ,
जिसको कहते हैं वनस्पति राइस ही उसको ही कहते हैं जी। ये सब मसाले मैंने इसमें मिक्स करके अब दाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि फ्रेश मसाले होते हैं। तो अब आते हैं चावल की तरफ। ये मैंने चावल धो दिए हैं और यहाँ मैंने पानी बॉईल करने को रखा है। ये बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर जो ये मैंने साबुत मसाले बाकी बचे हुए थे जो मैंने बताया था वो सब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। ये जो है 1.5 चम्मच मैंने अलग से जो रखा था। जी अब इसमें मैं ये देख लें बॉईल हो रहा है सारा जो खड़े मसाले हैं और साथ ही साथ इसमें गलती से जर्दे का रंग भी मिक्स हो चुका है। तो चलें अब हम इसके अंदर ये जैसे बॉईल होता जा रहा है अब इसके अंदर हम ये चावल ऐड कर देते हैं। जी इसके अंदर मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं और इसको अब हम उबलने के लिए छोड़ते हैं जब तक ये चावल की एक कन्नी ना रह जाए। ये देख लीजिए चावल मैं जैसे ही उबलेंगे मैं आपको इसका बताऊंगी। जी ये देखें चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। एक कन्नी इसकी बाकी रह गई है ये देखिए। तो अब हम इससे पानी निकाल लेते हैं। जी चावलों को मैंने अब इसमें डाल दिया है इसका पानी निकल चुका है। अब इसको हम डिश में फैलाएंगे ठंडे होने के लिए फिर उसके बाद हम बिरयानी रेडी करेंगे क्योंकि तेल वाली बिरयानी में हमेशा आपको गरम चावल नहीं 2 से 3 घंटे पहले आपको यह चावल बॉईल करके और फिर इस जब तेल चढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे और टूटेंगे नहीं ये चावल। जी ये चावल मैंने लेके बहुत गर्म है ये चावल लेके मैंने इस डिश में फैला देने हैं ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ी थोड़ी देर में आपको ये चम्मच चलाना है इन चावलों को कि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अरेज ये बेबी मेरे साथ पूरे टाइम किचन में होती है जब तक मैं आऊँगी तब तक मेरी बेबी होती है मेरे साथ और ये कुछ ना कुछ कहीं घुसती है। और जी अब मैंने ये पतीला लिया है इसके अंदर मैंने आधी कटोरी जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैं ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मैं अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। जी अब इसके अंदर मैंने ये प्याज ऐड कर दी है ये देख लीजिए। अब इसको गोल्डन ब्राउन करना है फिर उसके बाद मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जी ये हो गई है मेरी प्याज गोल्डन। अब इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटर। भी ऐड कर लिए हैं और इसको मैं मिक्स करती हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा हल्का पानी आधे कप से भी कम पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ गलने के लिए। इसमें मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर लिया है और अब इसको मैं ढक के रखती हूँ टमाटर गलने तक। जब ये टमाटर गल जाएं तो मैं जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसमें शामिल कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसका पानी सूख चुका है। अब इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई मेरे चिकन थी वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। जी अब मैंने इसके अंदर चिकन भी मिक्स कर दी है और इसको मैं मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये मेरा सालन पक चुका है ये देखिए कितनी मज़े की इसमें खुशबू आ रही है और कितना प्यारा इसका कलर हो गया है ये देखिए आप। और अब मैं इसके फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और फिर मैं चावलों को इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मैं खाना पका रही हूँ और साथ ही साथ मेरी बेबी मेरे साथ कहाँ है ये री। और मेरी बेबी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाती कम है लेकिन ज़ायद बहुत इसको शौक़ होता है कोई ना कोई चीज़ उसके हाथ में हो। अभी इसको मैंने कपकेक थमाया है जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये नीचे बैठ के चेक करेंगी आराम से। जी अब ये मैंने पतीला खाली कर दिया है। अब इसके अंदर हाफ जो चावल है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फिर ये जो सालन है इसको मैं आधा इसके अंदर शामिल करूँगी।
जी मैंने चावलों की एक लेयर डाल दी है, उसके ऊपर मैंने ये सारा सालन डाल दिया। अब जो बाकी बचे हैं चावल वो भी इसके अंदर ऐड करती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप है ये। इसको थोड़ा सा बचा के लेते हैं और ये देखें मिक्स नहीं, यानी जो एक होते हैं जमा नहीं हुए हैं चावल, ये देखें अलग अलग हैं। तो जब भी आप चावल बनाएं या फ्राइड राइस बनाएं तो आप हमेशा चावल को 2 से 3 आवर्स के लिए पहले से ही बॉयल करके रख लें। अब जो बाकी बचे हैं चावल वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं। जी बाकी चावलों को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और ये मैंने हरा धनिया और पुदीना रफली चॉप करा है। अब इसके ऊपर मैं ये सबको फैलाती हूँ। और साथ ही साथ ये ग्रीन चिली जो थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया है। और ये लेमन के स्लाइस, ये भी। और अब इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड किया जाएगा। जी अब इसके अंदर जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया है। जर्दे का रंग आपकी मर्ज़ी, आप दूध में मिला के इसमें डालें या फिर पानी के ज़रिए, लेकिन मैं इसको खुश डालती हूँ ये इसी तरीके से। और अब इसको मैं ढक के रखती हूँ दम के लिए। जी अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और मैं इसको मिक्स करती हूँ हल्के हल्के। ये देख लीजिए मैं प्यारा रंग आया, और मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, देखें। जी ये मैंने चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी और कैसी बनी ये बिरयानी। सो प्लीज़। जी ये मैंने अपनी बिरयानी को डिश में निकाल लिया है, और अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, और आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। तो अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।